दोस्तों किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो कीबोर्ड लगा होता है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक होता है नंबर की, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। उसमें एक नल लॉक की होता है। एक कंप्यूटर में नंबर से रिलेटेड काम करने के लिए नल लॉक की का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नल लॉक की का 3 इंपोर्टेंट यूज बताने वाला हूँ। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। तो नल लॉक की का यूज कंप्यूटर में 3 तरीके से कैसे करते हैं, इसे सीखने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ है, लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। दोस्तों कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में ये जो आप नंबर की देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक पैड है। इसमें यह दिया हुआ है नल लॉक की। आज हम नल लॉक की का 3 इंपोर्टेंट यूज सीखेंगे। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिक पैड के ऊपर 3 लाइटें दी होती है। पहली लाइट होती है नल लॉक की। जब आप कीबोर्ड से नल लॉक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहली लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ही पता चलता है कि नल लॉक की ऑन है। और दूसरी लाइट होती है कैप्स लॉक की और तीसरी होती है स्कोर लॉक की। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ नल लॉक की के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब आप कीबोर्ड से नल लॉक की दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट ये ऑफ हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि नल लॉक की हमारा ऑफ है। तो चलिए अब हम सीखते हैं नल लॉक की का 3 इंपोर्टेंट यूज। यूज नंबर 1 है, दोस्तों कंप्यूटर में जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कहीं भी आपको नंबर टाइप करना हो तो आपको कीबोर्ड में यूज करना पड़ता है न्यूमेरिक पैड। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इसका यूज करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है नल लॉक की। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर पहली लाइट जल जाएगी। इससे ये पता चलता है कि नल लॉक की हमारा ऑन है। अब आप कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में नंबर टाइप हो रहा है। तो ये तो था हमारा पहला यूज। इसके बारे में जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं हर कोई जानता है। यूज नंबर 2, दोस्तों नल लॉक की को ऑन करने पर आपने यहाँ पर देखा कि नंबर का यूज हम कर सकते हैं। अब हम कर देते हैं इसे ऑफ। यहाँ पे जो लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि नल लॉक की हमारा ऑफ है। नल लॉक की ऑफ करने पर आप इन सभी की का यूज एरो की जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर की ओर आना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करना है 8 नंबर की, ये देखिए। नीचे की ओर आने के लिए 2 प्रेस करना है, लेफ्ट के लिए 4 प्रेस करना है और राइट के लिए 6 प्रेस करना है। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में नल लॉक की ऑफ करने पर ये सभी की एरो की जगह पर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एक सेटिंग करना है। आपको सर्च में जाना है और टाइप करना है कंट्रोल और इंटर कर देना है। इसमें आपको व्यू बाय में कैटेगरी सेलेक्ट करना है और नीचे आपको एज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करना है। इसमें आपको एज ऑफ एक्सेस सेंटर पे क्लिक करके नीचे दिया हुआ है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर में टर्न और माउस कीज इस पे अगर क्लिक है, नल लॉक की ऑफ करने पर नंबर का यूज करके आप एरो की जगह पर काम नहीं कर सकते तो आपको इसे ऑफ कर देना है। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है और इस वाले पेज को आपको क्लोज कर देना है। तो इस वाले सेटिंग को करने के बाद नंबर की का यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये सभी नंबर एरो की जगह पर काम कर रहा है। यूज नंबर 3, आपको नल लॉक की को कुछ देर तक होल्ड करके रखना है। एक बीप सुनाई देगा और आपके सामने ओपन होगा टॉगल की, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया टॉगल की। ये तभी ओपन होगा जब आप नल लॉक की को होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों इसका जो यूज है, जब भी आप कीबोर्ड से कैप्स लॉक, नल लॉक और स्कोर लॉक की का यूज करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर में काम करते समय इन तीनों की का यूज करने के लिए जब इनको आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बीप सुनाई देगी। यहाँ पर मैं यस करके कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कैप्स लॉक की, तो आपने देखा एक बीप सुनाई दिया। और जो भी काम करेंगे, काम करने के बाद जब इसे आप ऑफ करेंगे एक बीप सुनाई देगी, ये देखिए। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ स्कोर की, तो आपने देखा एक बीप सुनाई दिया। इसका यूज करने के बाद जब दोबारा आप स्क्रॉल की प्रेस करेंगे तो आपको बीप सुनाई देगी, ये देखिए। और तीसरा की है नल लॉक की, जब भी आप इसे ऑन करेंगे तो आपको एक बीप सुनाई देगी, ये देखिए। और यूज करने के बाद जब इसे आप ऑफ करेंगे तो आपको बीप सुनाई देगी, ये देखिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नल लॉक की यूज करने पर बीप की आवाज ना आए तो उसके लिए आपको टॉगल की को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है कंट्रोल और इंटर कर देना है। व्यू बाय में कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको एज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एज ऑफ एक्सेस सेंटर पे क्लिक करना है। इसके अंदर मेक द कीबोर्ड इजी टू यूज पे क्लिक करना है। ये दिया हुआ है
टर्न ऑल टॉगल की, आपको इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके टॉगल की वाले फीचर को ऑफ कर देना है और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। अब कीबोर्ड से कैप्स लॉक की, स्क्रॉल की और नल लॉक की प्रेस करने पर बीप की आवाज नहीं आएगी। तो आपने देखा दोस्तों, कंप्यूटर में नल लॉक की का यूज तीन तरीके से कैसे करते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसी अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।